नेताओं हवा दे रहे हैं। बीजेपी से अच्छा ध्यान भटकाने वाली कोई पार्टी नहीं है। ये बातें तो बहुत बनाते हैं, बताओ बिजली बनाई हो तो बता दो। अभी बिजली का बिल अगले महीने से ज्यादा देना है आपको, एक यूनिट बिजली बनाई हो तो बताओ। ये बातें तो बना लेते हैं, बिजली नहीं बनाते। अगर बिजली बनाती बनाए हो तो बताओ। ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए किसी पर बातें हैं तो वो बीजेपी पर बातें। मैं ये कहता हूँ, जो दावे करते थे भ्रष्टाचार खत्म करने के, बताओ क्या हालत है भ्रष्टाचार की। मंदिर मुद्दे खुली हवा दी जा रही है समाजवादी और बीजेपी के सारे प्रवक्ता किसी भी डिबेट में ये मंदिर मुद्दे को प्रथम वर्तम रखते हैं। बीजेपी के लोग अपनी जेब में पुड़िया लेके चलते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे कि बीजेपी के लोग जेब में पुड़िया लेके चलते हैं, जब इन्हें ध्यान हटाना होता है हटा देते हैं। आप देखो कैसे ध्यान हटा, हवाई जहाज कराची से आया पानी पे उतर गया, हट गया ध्यान तुम्हारा। और हमने जो हवाई जहाज सड़क पे उतारे वो तुमने कभी नहीं देखे ना बताए किसी को। क्या कहेंगे पुड़िया से बचते रहे? मैं कहूँगा लोगों को अपनी गरीबी देखें, महंगाई देखें, अपने आसपास जो परिवर्तन हुआ वो देखें। अगर उनको दिखता है कि धोखा दिया है बीजेपी ने तो उन पे भरोसा न करें। लेकिन जनता ने थोड़ी नाराजगी दिखाई अभी नगर निकाय के चुनाव में, बुरी तरह हारी बीजेपी, वोट कम हो गया। अब तो थोड़े बहुत खुलेगा, उनको पता लगेगा कि जनता नाराज है। और याद रखना काम नहीं करेंगे। अभी शिक्षा मित्रों की परीक्षा का रिजल्ट आया है, एटा के तो सब पास हो गए होंगे सब। आप ये बताइए, आप ये बताइए कि विभाग कम कर दोगे तो काम अच्छा होने लगेगा क्या? और कोई नया कानून ले आओगे मको का? अरे अभी मको का तो कैबिनेट से पास किया। और बताइए एक पूर्व विधायक, तीन बार रहा विधायक, उसके बेटे की हत्या कर दी गई कहाँ पर? ये तो तय करे सरकार, तय करेगी किसके घर से कितनी दूरी है जहाँ पे हत्या हुई। बताओ विधायक के बेटे की हत्या हो गई वहाँ पर, हजरतगंज बिल्कुल करीब है, वहाँ से गवर्नर हाउस पास है कि मुख्यमंत्री घर पास है ये कोई नहीं जानता। ये सरकार बता सकती है कौन सा घर पास है? तो नए कानून लाने से नहीं, आपको पुलिस की व्यवस्था को ठीक करने पर, पुलिस पे भरोसा करना पड़ेगा, सिपाही पे भरोसा करना पड़ेगा। इस सरकार को तो भरोसा ही नहीं है, हर एक को एक नए तरीके से देखते हैं। इनकी नजर गलत है, जो नजर है वो भेदभाव की है इनकी, बीजेपी के लोगों की, इसीलिए कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। ये तो कानून व्यवस्था पे कहते थे हम तो एक दिन में संभाल लेंगे, बताओ हत्या में आगे निकल गए, बलात्कार में आगे निकल गए, लूट में आगे निकल गए, और भ्रष्टाचार में तो सबसे आगे निकल गए। 100 नंबर हमने अच्छी की, इन्होंने उसे भी गड़बड़ कर दिया। क्या आपकी सरकार से ज्यादा?